यूनिवर्सिटी जामे निज़ामिया, जिसमें आज बज़रिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नायब अमीर शहर बाबा फसलुद्दीन और तमाम पुराने शहर के उद्योगता लोगों ने यहाँ पर आकर शहर हैदराबाद के साफ़ सफाई के इंतज़ाम के उमूर के ऊपर खुसूसन सजेशन के वास्ते जो विशेष दिए हैं, ये जामे निज़ामिया के लिए, जैसे अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत ने कहा था कि वो ये यूनिवर्सिटी है जो दक्कन की पहली यूनिवर्सिटी है जिसका एजाज़ और जिसके यहाँ के डेवलपमेंट के लिए खुसूसन वज़ीर आला ने अपनी ख़ास तवज्जो का मरकज इसे बनाया है। ऐसे मौके पर यहाँ पर आकर बड़ी हम खुशी से कह सकते हैं कि इसकी साफ़ सफाई का इंतज़ाम पूरे शहर दक्कन में देखा जाए तो पूरे तेलंगाना में देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी में जिस तरीके का इंतज़ाम है, ऐसा इंतज़ाम साफ़ सफाई का कहीं आपको दिखाई नहीं देता। इसके लिए लोगों को सबक सीखना चाहिए और ये यूनिवर्सिटी से तमाम उलमा, तमाम मशायखीन, तमाम जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो साबिका, वो लोग तमाम के तमाम ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अवाम में तरगीब दे रहे हैं, नमाज की पाबंदी का सिस्टम के लिए और दूर मेंटेन करने के लिए, और खुसूसन आने वाली बकरीद की ईद के मौके के ऊपर जो अवाम में अवेयरनेस लाकर ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का इंतज़ाम कराने की जो कोशिश की जा रही है, इसमें जामे निज़ामिया सर फहरिस्त है, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज KTR साहब के इस बर्थडे के मौके पर, उनके पैदाइश के दिन के मौके पर, आज हम जामे निज़ामिया में जो वेलफेयर काम कर रहे हैं और खुसूसन के इंसान पे मुस्कुराहट लाने के जो प्रोग्राम KTR साहब की तरफ से चलाया जा रहा है, हम गरीब लोगों की मदद कर कर उनकी ज़िंदगियों में खुशियां लाने का एक अहम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो पुराने शहर में भी रवानवा है, और KTR साहब की लंबी उम्र के लिए और KCR साहब की अच्छी सेहत के लिए हम दुआ करें।